न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोकर विधानसभा क्षेत्र के ग्वागा 2 नंबर ग्राम पंचायत में, जहां बांग्लादेश और हिंदुस्तान के सरहदी जो इलाके हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहां पे जो अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार हैं वो प्रचार में आए। इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, गुलाम रब्बानी ग्वालपोकर विधानसभा से, वो बांग्लादेश और भारत कि जो बॉर्डर के जो इलाके हैं, वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो प्रचार प्रसार के लिए आए। सीधे तौर पर वो पब्लिक से और यहाँ के महिलाओं से वो अपने हक में वोटों की अपील कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ टुडे इंडिया के स्क्रीन में आप देख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, जिससे वो एकदम बिल्कुल डोर टू डोर जाकर जिस तरह से वो बात करते हैं। आज भी वो अगर हम कहें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर का जो इलाका है, जैसे हमें को बताया गया, ये गांव क्वालीगंज है और क्वालीगंज ग्राम में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। सीधे तौर पर वो बात कर रहे हैं लोगों से, आप देख ही सकते हैं। कोई भी जो है वो बिना सुन नहीं रहे, क्योंकि पहले वोट कर रहे दवार बाद और वोट कर होना दुआर होना अल्लाह को है, अल्लाह नाम ने भगवान नाम ने तुम्हारा वोट का दुआ हो लास्ट खुलो लास्ट खुलो कितना का टाइम लग गया तुम्हारा 10 सेकेंड कितने 10 25,000 देगा बोलना सिर्फ। देख ही सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो सीधे तौर पर डोर टू डोर कैंपेन में लगे। हम यहाँ के महिलाओं से इस गांव की बात करना चाहेंगे। आज देख रहे हैं कि यहाँ के जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए, क्या बोलने आपसे? हमसे बोलने आए हैं कि वोट हमें ममता दीदी को दीजिए और ममता दीदी को देना चाहिए वोट। और जो वो है ना बीजेपी, बीजेपी बेकार है, बीजेपी का हम वोट डालेंगे नहीं, किसी भी कोई भी नहीं डालेगा। पूरा कलीगढ़ हमारा ये बंगाल ममता दीदी को वोट चाहिए, ममता दीदी को देंगे। का नाम क्या है? तीनू बानू खातून। तो सीधे तौर पर यहाँ की एक महिलाएं थी, उससे बात कर रहे थे हम। जो कैंडिडेट हैं ग्वालपोकर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं गुलाम रब्बानी साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि वो इस बार जो अभी जो है हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जो बॉर्डर का इलाका है, जो हिंदुस्तान में पड़ता है, उन इलाकों में वो आए हैं प्रचार करने के लिए। सर, यहाँ के लोगों को क्या आज देखा जाए? यहाँ के महिलाएं खासतौर से, पुरुष भी, औरत मर्द दोनों, ये लोगों को एहसास हो गया है कि हम लोग बॉर्डर में रह रहे हैं। अब बॉर्डर में हम लोगों के हिफाजत के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक ही मुख्यमंत्री है जिनका नाम ममता बनर्जी है, जिनको जिनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र तो हो रहा है, बहुत सारे साजिशें हो रही है, बहुत सारे कंस्पिरेसी हो रहा है, उनके खिलाफ ये इकट्ठा होकर ममता बनर्जी के अलावा किसी को वोट नहीं डालेंगे। दूसरी बात, ममता बनर्जी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जब से पैर टूटी है, पैर टूटने के बाद जो व्हाट्सएप में आया है, वीडियो में आया है, या कोई भी बोल के वोट नहीं होगा, अब की बार वोट होगा ममता बनर्जी बोल करके वोट होगा। ममता बनर्जी को अब की बार थर्ड टर्म के लिए हैट्रिक देने के लिए फिर ये लोग मुख्यमंत्री करने के लिए हमको जिता के भेजेंगे यहाँ से। सर, यहाँ की जो महिला की अगर बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, इस इलाके की, खास करके जो बांग्लादेश और भारत का जो क्षेत्र है उसके एकदम पड़ोसी ये कहा जाए, तो काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों से आपकी क्या उम्मीद है इस बार? सर, यहाँ के लोगों से हमको भरपूर उम्मीद है। इलेक्शन में भी काफ़ी वोट दिए थे, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, आपकी बार भी देंगे। और यहाँ जो भी कोई डिस्प्यूट होता है BSF के साथ हम लोग निगोशिएट करके, बैठ करके, मशवरा करके, एडवाइस दे के, एडवाइस लेकर के जो है हम लोग सोल्यूशन मीटअप करते हैं। ग्वालपोकर विधानसभा क्षेत्र से जो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे गुलाम रब्बानी, उनसे बात कर रहे थे कि आज वो बॉर्डर के जो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे प्रचार प्रसार करने आए हैं, अपने हक में वोट मांगने के लिए आए हैं, तो उनका लोगों पर क्या प्रतिक्रिया है वो हमसे बता रहे थे कि किस तरीके से लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सीधे तौर पर हम यहाँ के कुछ तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे। यूथ के प्रेसिडेंट हैं सत्यरंजन विश्वास, उनसे बात करेंगे। सर, देखा जाए तो आपके जो पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आज इस इलाके में आए हैं, तो क्या किस तरह का तैयारी है इस पंचायत में या इस इलाके की बात करें आपको? আমি বাংলাতে বলছি, মানে এই যে প্রত্যেকটা অঞ্চল অঞ্চলে প্রত্যেকটা বুথে বুথে যেভাবে যাচ্ছে মন্ত্রী সাহেব, মানে এত যে সারা বাচ্চা পাবলিক মা বোনেরা সারা কাছে দিচ্ছে
আমরা ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দেব আর গোলাম পরিবারের সাথে দেবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত উন্নয়ন করছে, মানুষের সুবিধা দিয়েছে, এই জন্য আমরা খুশি হয়ে ভোট এখানে একটা ভোটের দিকে দিকে যাবে না, না বিজেপি না কংগ্রেস না কোনো সিপিএম, শুধুই ভোট হবে তৃণমূল কংগ্রেসে। बात कर रहे हैं कि हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी हैं उनके जो यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं सत्तर रंजन विश्वास, हमको बता रहे थे कि यहाँ के लोग किस तरह से ममता बनर्जी से प्रेरित हैं और इस बार उन लोगों का क्या मिजाज है। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर से आतुष मजुमदार तुषार विश्वास के साथ में फैजान अशरफ।